एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। बीती रात ही पॉपुलर एक्ट्रेस तबस्सुम ने इस दुनिया को अलविदा कहा, तो अब बंगाली इंडस्ट्री से एक्ट्रेस की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। बंगाली एक्ट्रेस एंड्रुला शर्मा का कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई है। बीते रविवार 20 नवंबर को एक्ट्रेस का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि एंड्रुला शर्मा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। वह कोमा में थी और उनकी आर्थिक मदद के लिए बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह भी आगे आए थे। 24 साल की एंड्रुला शर्मा का रविवार को निधन हो गया। मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट के चलते उनकी मौत हो गई। एक्ट्रेस ने 1 बजे के करीब आखिरी सांसें ली। हॉस्पिटल के सूत्रों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। CPR सपोर्ट भी उन्हें दिया गया था। उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी। 1 नवंबर 2022 को एंड्रुला शर्मा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वह कई दिनों से वेंटिलेटर पे थी। अस्पताल के बढ़ते कर्ज से भी वह काफी परेशान थी, जिसके बाद बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 लाख से ज्यादा अस्पताल का खर्च हो चुका था। दिल दुखाने वाली बात यह है कि एंड्रुला शर्मा 2 बार कैंसर को मात दे चुकी थी, मगर हार्ट अटैक से वह जीत ना सकी। इतना ही नहीं, एंड्रुला कैंसर से जंग जीतने के बाद कम बैक भी कर चुकी थी। एक्ट्रेस के निधन के बारे में सुनकर उनके फैंस और को स्टार्स खासा दुखी हैं और सोशल मीडिया पर शोक जता रहे हैं। एंड्रुला शर्मा मुर्शिदाबाद से आती हैं। उन्होंने साल 2007 में टीवी शो झूमर से डेब्यू किया था। इसके बाद वह जियो का थी, जीवन ज्योति जैसे कई शोज में काम किया। इतना ही नहीं, वह भागर जैसी वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है।